गुड मॉर्निंग गाइस दोस्तों, अभी हम ऋषिकेश में अपने होटल पे हैं। टाइम टाइम देख सकते हैं 2:50 हो रहा है, सुबह के 2:50 हो रहा है। अब हम लोग सोनप्रयाग के लिए निकल रहे हैं, मतलब 3 बजे निकलना था बट लेट हो गया थोड़ा। रात में हम लोग गंगा आरती देखते देखते बैठे हुए थे, उसके बाद फिर गंगा जी के दर्शन करने के लिए रात में बैठे थे देर रात तक। चलिए कोई नहीं, अब सुबह निकलना है। यहाँ पे तो ऑल सेट निकलने के लिए, 3 बज रहा है अभी सुबह के। ऋषिकेश में हम लोग होटल से अभी चेकआउट कर रहे हैं। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं या मतलब नीचे साइड, क्योंकि हम लोग थोड़ा पहाड़ी एरिया में ऊपर साइड है तो नीचे जा रहे हैं। वहाँ से फिर बस पकड़ेंगे, ऑटो पकड़ेंगे, फिर बस स्टेशन जाएंगे और फिर वहाँ से सोनप्रयाग के लिए बस पकड़ेंगे। जितनी जल्दी जाएंगे उतनी अच्छा है, वरना फिर बहुत ट्रैफिक मिलेगा, 5-6 घंटा हम लोग को वेट करना पड़ जाएगा। दोस्तों बाहर का व्यू देख सकते हैं कितना रही है। ऑल सेट निकलने के लिए हम लोग ऑल सेट हो चुका है, बाकी आप देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पे होटल से निकल रहे हैं, चलो बाय बाय। मन कर गए भाई, जो सेम रास्ता था नीचे जाने का वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग गंगा रिवर को पार कर चुके हैं और निकल रहे हैं स्टेशन की तरफ। बस स्टेशन पैदल पैदल हम लोग उस साइड से आ रहे थे, आप देख रहे हैं पूरा उस साइड से पूरा आ रहे हैं। और ये देखिए नीचे, और ये हम लोग का रास्ता जा रहा है स्टेशन की तरफ। तो अभी हम लोग एक ऑटो पकड़ेंगे, फिर वहाँ से स्टेशन 4-5 किलोमीटर है। हम लोग को ऑटो भी मिल चुकी है जो कि हम लोग को बस स्टेशन ले जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग को टाइम से ऑटो भी मिल गया, अभी 3:45 टाइम हो रहा है। बाकी उसके बाद देखते हैं, जल्दी से हम लोग को ऑटो मिल गया, हम लोग सोनप्रयाग के निकल ले जाएँ। बस उससे अच्छा क्या हो सकता है कि ताकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले हम लोग को। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे यहाँ की लोकल ऑटो, और अभी तो सब ब्लैक ब्लैक है, अंधेरा है, तो ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। आगे देखता हूँ जब थोड़ा सा डे होता है, उसके बाद आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। बाकी डिटेल्स आप देखते रहिएगा। दोस्तों ये मतलब ऋषिकेश का बस स्टैंड, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे सोनप्रयाग के लिए डायरेक्ट बस कोई नहीं मिला। जैसे यूट्यूबर्स काफ़ी बताते हैं कि 500-600 में आप पहुँच जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम मानिए 1100 से 1200 आपको टैक्सी ले रहा है, 1500 टैक्सी ले रहा है, 1200 हम लोग ने किसी तरह बात की है तो 1200 पर पर्सन हम चाह रहे हैं, 4800 दे के जा रहे हैं बस से, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक होगा और चेक पोस्ट पहले वहाँ उतार भी देगा, थोड़ा सा इशू है इसलिए। ये वाला है, हम लोग इनसे जा रहे हैं, देख सकते हैं श्री गंगा एडवेंचर। दोस्तों कब हम निकलते हैं इसका अपडेट भी मैं काफ़ी जल्दी आपको दे दूंगा, जो भी जैसा से, क्योंकि 5 बजे चेक पोस्ट खुलेगा, 8 लोग को इस गाड़ी में लेके जाएंगे। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये वाली दोस्तों, हमारा सामान सारा टैक्सी में लोड हो चुका है, ये देख सकते हैं ऊपर। बाकी अब हम लोग का भी मतलब आगे की ये 3 सीट और फ्रंट की 1 सीट हम लोग की है। बाकी सर्विस अच्छा मिल रहा है, देखते हैं क्या होता है, जल्दी जल्दी पहुंचा दे तो आज रात में बायोमेट्रिक और सोनप्रयाग भी थोड़ा घूम लेंगे। बाकी देखते हैं क्या सीन होता है। 5 बजे यहाँ पोस्ट खुलेगा, जो चेक पोस्ट होता है पुलिस का, BSF वालों का, BSF कहिए चाहे BRO कहिए, जो भी मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है। ये टैक्सी हम लोग का, तो जैसा देखते हैं, बाकी आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी तो अब गढ़वाल एरिया पूरा पड़ेगा तो अच्छे शॉर्ट्स भी आएंगे, सिनेमैटिक्स, ड्रोन, सारी वीडियोस आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। यहाँ अंदर बुलेरो प्लस में बैठ चुके हैं, जो कि देख सकते हैं ये तहकीकात कर रहे हैं, उंगली कर रहे हैं, CID बन चुके हैं बैठे बैठे। और भाई रजत अपना रिव्यू दीजिए गाड़ी पे। गाड़ी बढ़िया है, कम्फर्टेबल है, कोई दिक्कत, कम्फर्टेबल है, आप देख सकते हैं काफी। गाड़ी से जाने का फायदा ये है, भले आपसे 100-200 रुपए महंगा लेगा, बस वाले से पहले पहुंचाएगा और पहले छोड़ कम्फर्टेबली बैठ सकते हो, 20 किलोमीटर पहले छोड़ेगा नहीं, 20 किलोमीटर पहले छोड़ेगा नहीं, वही चीज है, पैदल नहीं चलना पड़ेगा हम लोग को, डायरेक्ट सोनप्रयाग छोड़ेगा। दोस्तों यही सीन है, आप देख सकते हैं। बाकी आप टैक्सी करिए, ज्यादा कम्फर्ट है।
हम लोग देवप्रयाग पहुंच गए हैं। ठाकुर मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए व्लॉग शुरू शूट नहीं कर पाया। बस देख सकते हैं यहाँ पे देवप्रयाग हम लोग पहुँच गए हैं। दो नदी आ रही है, प्यारी है कि एक ये अलकनंदा है और ये भागीरथी है, आप देख सकते हैं। और ये पूरा संगम है और ये पूरे पहाड़ हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग श्रीनगर पहुंच गए हैं। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है, वॉमिटिंग खूब ज़्यादा हो रही है। एक्चुअली मुझे इतनी आदत नहीं है बैठने का, और शायद एसिड गैस बन गया है पेट में, तो देख सकते हैं अभी रोका गया गाड़ी, कुछ दिक्कत आ गई तो बन। ये श्रीनगर का है, बहुत अच्छा इलाका है। तो ये देखिए इलाके की रजत, बाकी इलाका देखिए सब बादल है, बादल ही बादल पूरा दिख रहा है, देख रहे हैं लेके वैसे काफ़ी। फैमिली सभी हम लोग पहुंच गए हैं धारा देवी के मंदिर पे, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। ये देखिए हम लोगों ने मथा टेक भी लिया है, बाकी अभी देखिए व्यू तो बहुत अच्छा है यहाँ का। बस थोड़ी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, बट कोई इशू नहीं, अब ठीक है सारा। सकता है अर्जुन क्या हाल है? तो बस देख सकते हैं मंदिर के, आप ये देख सकते हैं धारा देवी की मान्यता है कि ये चार धाम के मतलब मंदिरों की रक्षा करती हैं, और ये तीन रूपों में आती है। पहले छोटी बेटी मतलब छोटी बच्ची, और उसके बाद एक मतलब यंग, और उसके बाद एक बूढ़े पे। तो ये मान्यता सुनी थी मैंने। बाकी दोस्तों आप अभी चलते हैं हम लोग आगे, बाकी आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को शेयर मारिए, लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए यार। तो हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं, धारा देवी से थोड़ी सी आगे है यहाँ पे होटल देवलोक रेस्टोरेंट करके, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। और मैं चलिए आपको अंदर से दिखाता हूँ क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या सीन होता है। वही है जो हम लोग को सेफली पहुँचाने का काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कहाँ? और ये होटल है, ये होटल देवलोक है, और ये शायद ओनर हैं इस रेस्टोरेंट के। और आपको यहाँ से व्यू दिखाते हैं, ये देखिए आप व्यू देखिए। और अभी भैया से पता चला है कि यहाँ पे ट्रेन का काम चल रहा है, शायद ट्रेन भी दो तीन साल चार साल में शुरू हो जाए यहाँ पे केदारनाथ के लिए। सीधा नहीं आएगी, वो सोनप्रयाग तक या कुछ दूर तक तो आएगी। व्यू देखिए शायद ऐसा, कितना प्यारा व्यू है, और मेरी हालत बिल्कुल डाउन है, देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, इस समय हम लोग खागरा में रुके हुए हैं नाश्ता के लिए, और इस समय आप देख सकते हैं कि हम लोग की मैगी आ चुकी है, और यहाँ पर भैया आलू पराठा एंजॉय कर रहे हैं और मिक्स पराठा भी, और भैया को बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ये छोले के साथ परोसा गया है, पता नहीं तो छोला मिलेगा। और यहाँ आंसू है जो बढ़िया मैगी एंजॉय करने जा रहा है, और ये हमारे दुबे जी हैं, ये मैगी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ आपको एक और खासियत मिलेगी, आपको यहाँ पर दो तरीके के स्पून मिलेंगे, एक फॉर्क मिलेगा और एक सिंपल वाला मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं, तबीयत थोड़ी अब ठीक हो गई है, बाकी सब लोग यहाँ पे बैठते हैं। ये रहा रजत भैया और अर्जुन, अभी पीछे भैया लोग हैं कुछ उड़ीसा से आए हुए, मैं इंट्रोडक्शन नहीं करा पाया था, बट अभी मैं उतरेंगे तब कराऊंगा। और बाकी ये वाले भैया हैं।
करके सीधे ही लेके चला गया क्या? अम्मा है क्या? देखिए पूरा ऊपर से झरना बह रहा है, पतले से निकल रहा है ये पानी, बिल्कुल साफ पानी, ऊपर से नहीं आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? यहीं से निकल रहा है यहाँ से। ओ भाई यार क्या कर रहा है? पानी ये होता है दोस्तों, ये देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। हम लोग केदार घाटी में आ गए हैं। अब ये क्या दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, नैरो रोड है, बट तब भी दो आ रहे हैं, क्या ड्राइविंग है। और नीचे आप देख सकते हैं पूरी खाई टाइप है, तो कितने ऊपर हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे सोनप्रयाग वाली रोड है, और यहाँ पे कोई भी यूट्यूबर नहीं बताते सोनप्रयाग की रोड कैसी होगी, बट मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए, पूरा नैरो रोड है। ये देखिए दोस्तों बस, और एक बस की जगह नहीं है, वहाँ दो दो निकल रहे हैं दोस्तों। खड़ी चढ़ाई है, पूरी खड़ी चढ़ाई। बादल में आने वाले हम लोग। पहुंच गए हैं, और देखिए आगे ये बोर्ड लगा हुआ, काफ़ी ट्रैफिक है। यूट्यूबर कोई भी ये नहीं बताता कि नीचे से 35 किलोमीटर से काफ़ी ज़्यादा जाम मिलता है, क्योंकि नैरो रोड है, तो वन साइड का जो रोड है तो उसमें डबल साइड चलाते हैं, धीरे से रोक रोक के लगभग 4-5 घंटे लग जाते हैं। ये सीन है, तो यहाँ पे भैया लोग काफ़ी नॉलेज और एक्सपर्ट होते हैं ड्राइविंग के, हम लोग से तो नहीं हो पाएगा, बहुत नैरो रोड है, और इस समय हम लोग बहुत ऊपर हैं, सी लेवल से लगभग 2000 फीट ऊपर हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगी हुई है, और ये ऐसे ही होता है, कोई भी यूट्यूबर किसी चैनल पे आज तक मैंने नहीं देखा जो कि बताता है कि क्यों 10-12 घंटे लगते हैं हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग। यहाँ पे हम लोग सोनप्रयाग पहुँच गए हैं, और यहाँ पे किसी गाड़ी को आने नहीं दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं पुलिस वाले के सबके मतलब ऊपर ही रोक दिया जा रहा है, बट भैया का सिस्टम इतना टाइट है कि भैया ले आए हैं। तो आप केदारनाथ जरूर आए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर डाल दूंगा, आप जरूर बुकिंग करिए और आइए भैया के ही सारे सबका। ओह माय गॉड, देखिए सोनप्रयाग का ये पार्किंग है, यहाँ भी देखिए भैया का सिस्टम कितना प्यारा, किसी ने नहीं रोका। यहाँ सब पैदल आ रहे हैं, बट हम लोग इसको बोलते सिस्टम। भैया डिजर्व इट, यू डिजर्व इट। चले भैया कहाँ है? अरेरा सोनप्रयाग का पार्किंग।
अरे सब पानी खाली तो बोल रही नो कार्स अलाउड बट माई कार सेंटर बिकॉज भैया भोकाल ये लोग यहाँ सोनप्रयाग पहुंच गए हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं, टेंट लगाते हैं या होटल लेते हैं। अब देख सकते हैं पीछे आज रात यहीं पे स्टे है और ये कल से केदार बाबा के लिए चढ़ाई करेंगे हम लोग। और बने रहिए वीडियो में और बोलते रहिए जय श्री केदार। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी थकान तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि भैया का रोल है इतना तक यहाँ तक छोड़ दिए हम लोग को, मतलब हम लोग को बहुत चलना पड़ता दोस्तों। देख सकते हैं ये देख कितना प्यारा है दोस्तों। हम लोग सोनप्रयाग में पहुँच गए हैं। जैसा कि सीन ये हो गया कि ऊपर मतलब मौसम ज़्यादा ख़राब होने की वजह से हम लोग को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये सोनप्रयाग के मतलब पुलिस जो बीआरओ है, बीएसएफ और बीआरओ जो भी होगा या पुलिस, वो हम लोग को रोक दी है। तो यहाँ पे अब क्या करें क्योंकि होटल्स भी जो कि रेट 5,000 से 6,000 रुपये मांग रहे पर पर्सन, तो वो तो वर्थ इट नहीं है। आप देख सकते हैं पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इसलिए हम लोग ने क्या सोचा कि कुछ जुगाड़ करें क्या करें। तो हम लोग थोड़ा टेंट लगा लेते हैं। तो फिर हम लोग ने किसी तरह रिक्वेस्ट की एक ऑफिसर से, फॉरेस्ट ऑफिसर से, उन्होंने टेंट लगाने दिया दोस्तों। और जितने भी यूट्यूबर्स, मैं मुँह पे बोल रहा हूँ, जितने भी यूट्यूबर्स बोलते हैं कि अच्छे से आपको सस्ते में 500 रुपये से आप हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग पहुँचेंगे, बिल्कुल गलत है। पीक टाइम में 1200 से 1500 रुपये लगना ही लगना है आपका। और अगर आप बुक करेंगे चार लोग हो चाहे एक लोग हो, 12,000 से 15,000 रुपये आपका लग ही जाएगा। तो दोस्तों यही मैं कहूँगा आपसे कि पीक टाइम में बिल्कुल आप मत करिए, करना है तो यूट्यूब के भरोसे आप बिल्कुल मत करिएगा। मेरे साथ 8 लोग आए हैं, यूट्यूब जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सबको सब गाली दे रहे हैं कि क्यों ऐसा बताते हैं। और सबसे पहली बात, हरिद्वार से सोनप्रयाग या ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए 12-13 घंटे नहीं लगते हैं, वो सिर्फ 4 से 5 घंटे में आपको 200 किलोमीटर कर देते हैं। बट 40 किलोमीटर जो कि गढ़वाल एरिया मतलब पतला नैरो हो जाता है, इतना हो जाता है कि 2,500-3,000 फीट पे एक एक कार की जगह में 2-2 बसें निकलती हैं। उस हम लोग का 40 किलोमीटर करने में लगभग लगभग 5 से 6.5 घंटे लगे हैं, 5 से 5.5 घंटे लगे हैं दोस्तों। बस मैं यही कहूँगा कि केदारनाथ यात्रा जितना सब लोग कहते हैं ईजी है, वो ईजी तो नहीं है। बाकी आज रात हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पर टेंट लगाने वाले हैं, वो देखिए आपको अर्जुन वो मिल जाएंगे। ये जगह है, आप ये देख सकते हैं, पूरा पूरा माउंटेन व्यू है। और ये सोनप्रयाग के नीचे हम लोग नीचे से ऊपर आए हैं और ये एक पुलिस कॉटेज या बोलेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉटेज हम लोग के बैग्स रखे हैं। और ये देखिए सब बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। आज हम लोग यहीं पर रात में लगेंगे और 2 बजे हम लोग को यहाँ से निकल जाएंगे। तो वही है बस, आप लोग आइए, ये लोग ये नाश्ता पानी चल रहा है। रजत कैसा सीन चल रहा है, क्या हो गया मिर्चा? ऐसा कहेंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यूट्यूबर्स की, बस इतना, बस नो कमेंट्स। बाकी देखते हैं कैसा भी जो भी होता है वो सुबह आपको बताएंगे। और एक्चुअली मेरे में चार्जिंग नहीं आ रहा, यहाँ पे सिग्नल भी नहीं आ रहा है, तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। तो चलिए बने रहेगा वीडियो में।